संग्राम में लगातार 7 घंटे बिजली गुल रही तो क्षेत्र की अंधेरी व सैंज पंचायतों में 12 घंटे से अंधेरा कायम। 28 दिसंबर को 14 घंटे तो रविवार को लगातार 4 घंटे रहा ब्लैकआउट। नई अथवा सुखू सरकार द्वारा संग्राम में विद्युत विभाग के एक्सियन व एसडीओ ऑफिस बंद किए जाने के बाद से इलाके में जारी है अघोषित पावर कट का सिलसिला। अस्पताल में जनरेटर न होने के चलते आज पावर कट के दौरान ठंड से ठिठुरते देखे गए मरीज। बारिश व ऊपरी हिस्सों में फिर से स्नोफॉल शुरू होने से क्षेत्र शीतलहर की चपेट में। विद्युत विभाग के एसडीओ ददाहू जेई संग्रह सब स्टेशन के अनुसार कल अंधेरी व सैंज गांव में बहाल हो पाएगी विद्युत आपूर्ति। पिछले कई दिनों से चालू नहीं हो सकी 33 केवी लाइन चाड़ना संग्रह पर सप्लाई। उपायुक्त सिरमौर के निर्देशों के बावजूद विद्युत बोर्ड की लापरवाही के लिए स्थानीय व्यापार मंडल व क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने जताया रोष। सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय संग्राम में आज मंगलवार को जहां एक बार फिर लगातार 7 घंटे बिजली गुल रही, वहीं क्षेत्र की अंधेरी पर सैंज पंचायतों के सभी गांवों में 12 घंटे बाद भी न्यूज अपलोड किए जाने तक अंधेरा कायम रहा। आज लगातार 7 घंटे बिजली गुल रहने व संग्राम अस्पताल में जनरेटर न होने के चलते पावर कट के दौरान मरीज ठंड से ठिठुरते देखे गए और क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में इस माह अब तक 2 बार स्नोफॉल होने के बाद आज एक बार फिर चूरधार व आसपास के इलाकों में शाम होते होते बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। विडम्बना यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा गत 5 मई को लगभग 9.5 करोड़ की लागत से बने संग्राम अस्पताल भवन का उद्घाटन तो किया गया, मगर स्वास्थ्य विभाग यहां ना तो अब तक जनरेटर की व्यवस्था कर पाया और न ही करीब 30 लाख की लागत से लगी लिफ्ट अथवा एलिवेटर को चालू किया गया। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा गत 27 जुलाई को यहां हालांकि विद्युत विभाग का डिवीजन व सब डिवीजन ऑफिस शुरू किया गया था, मगर पिछले 19 दिसंबर को नहीं अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा सूबे के अन्य हिस्सों की तरह इन दोनों ऑफिस को भी डिनोटिफाई अथवा बंद किया गया। व्यापार मंडल संग्रह व क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने यहां एक्सियन व एसडीओ ऑफिस बंद होने के बाद से विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की लापरवाही और बार बार अघोषित पावर कट लगने के लिए रोष जताया। सैंज पंचायत के प्रधान करतार सिंह व अंधेरी के विक्रम सिंह ने विभाग व प्रशासन से जल्द उनकी पंचायतों के सभी गांवों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने की अपील की। गौरतलब है कि इससे पहले गत 27 दिसंबर की शाम से 28 की सुबह तक जहां मुख्य बाजार संगड़ा में लगातार करीब 14 घंटे बिजली गुल रही, वहीं 2 दिन पहले पूरे क्षेत्र में संडे को लगातार 4 घंटे ब्लैकआउट रहा। आज उपमंडल मुख्यालय संगड़ा व क्षेत्र की 10 के करीब पंचायतों में बाद दोपहर 1 बजे के लगभग विद्युत आपूर्ति बहाल होने के बाद जहां शाम तक दर्जन भर से ज्यादा पावर कट लग चुके थे, वहीं अंधेरी व सैंज पंचायतों में सुबह 6 बजे से बिजली नहीं है। उपमंडल के ऊपरी हिस्सों में इस माह जहां अब तक 2 बार स्नोफॉल हो चुका है, वहीं आज शाम होते होते एक बार फिर बर्फबारी का मौसम बन चुका था और शीतलहर व कोल्ड वेव के बावजूद बिजली न होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अथवा अलर्ट के बाद उपायुक्त सिरमौर द्वारा गत दिनों बिजली बोर्ड सहित सभी संबंधित विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जाने के बावजूद यहां डीसी के आदेशों का भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है। विद्युत विभाग के एसडीओ ददाहू नंदलाल व जेई सब स्टेशन भीम सिंह के अनुसार बाद दोपहर ददाहू से संगड़ा 33 केवी लाइन को दुरुस्त अथवा चालू किया जा चुका है, मगर चाड़ना संगड़ा लाइन में आई खराबी अथवा पंक्चर इंस्टॉलेटर को बदलने के लिए कल तक कर्मचारियों को भेजा जाएगा। सहायक अभियंता के अनुसार सैंज व अंधेरी पंचायतों में भी अब कल ही लाइन चालू करने अथवा सप्लाई बाहर करने के लिए कर्मचारी भेजे जाएंगे।